व्हाट्सअप गाइज, आज हम देखने वाले इंडिया वर्सेस यूएसए 5 रन पेनल्टी, अर्शदीप के 4 विकेट, मस्त मजेदार मीम्स होंगे। और अगर आपको नहीं पता है तो भैया कल भी विराट कोहली ने रन नहीं बनाया, तो उसके ऊपर लोग कह रहे हैं कि नंबर 3 पर बैटिंग करनी चाहिए। आपकी क्या राय है बता सकते हो? बाकी तने भाई की वीडियो देखते हैं। 1 2 3 गो यू बॉयज, सुपर हिट में आ गए हम लोग, तालियां। Yes. पाकिस्तान Yes. हर बार की तरह एक बार फिर से हम पर डिपेंड कर रहा था कि भैया क्वालिफिकेशन करवा दो, हमारा यूएसए से हार मत जाना। क्या हुआ पागलों, क्या इस वर्ल्ड कप में पता नहीं क्या क्या हो रहा है ब्रो। मतलब अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को हरा दिया, बांग्लादेश ने श्रीलंका को हरा दिया, और 11 जून को तो भाई साहब अपसेट्स की हद ही पार हो गई। कनाडा पाकिस्तान से हार गई। ओएमजी ब्रो, घोर कलयुग, घोर कलयुग। अबे ये है, अबे क्या करता है, मरियल को तो ये भी मार देगा, असली वाला ये आ रहा है। जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ, शायन जहांगीर आउट, और उसका रीजन था उसका बर्थ प्लेस। अर्शदीप पाजी के सामने क्यों पाकिस्तानी बैटर्स को ले आते हो यार? और एक मजे की बात सुनो तुम, ये जो जहांगीर भाई साहब है ना, इन्होंने मैच के पहले बोला था कि मेरे को विराट कोहली के सामने खेलना है ताकि मैं उसको बता सकूं असली किंग कौन है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया भैया, मतलब ये क्या था, कुछ भी। अरे बाबर आजम की जगह कोहली तो नहीं बोल दिया मुंह से बैठे? कॉन्फिडेंस इतना भी ना हो कि हर जगह बेइज्जती होती रहे। और उससे ज्यादा मजे की बात यह है कि ये जो जहांगीर और चीकू भैया का कल का स्कोर था वो सेम था। हम लोग गायब हो गए। चीकू भैया का यही फॉर्म देख के कल नंबर 3 ट्रेंड कर रहा था, क्योंकि सब लोग का कहना ये है कि जब उनको नंबर 3 स्पॉट यानी 1 डाउन स्पॉट पसंद है तो जबरदस्ती क्यों ओपनिंग कराया जा रहे हो, जायसवाल को क्यों नहीं ला रहे ओपनिंग पर। नहीं, कल तो हालात कुछ यूं थे भैया कि रोहित भाई और कोहली भाई का कंबाइन रन से ज्यादा तो हमें पेनल्टी मिल गई थी 5 रन की। जिसको नहीं पता है 5 रन की पेनल्टी क्यों लगी थी यूएसए पे, क्योंकि कमेंटेटर तो उस टाइम पे भी बकचोदी कर रहे थे ये बताने की बजाय, मुफ्त का चंदन घिस मेरा नंदन, मेरी फूफी की मूछें होती तो मैं उसे फूफा कहता, लिटरली ये कमेंट्री चल रही थी कल। यही कमेंट्री 30 मिनट तक सुनने के बाद कानों में खून आंखों में आंसू लेके मैंने म्यूट कर दिया। तो ये 5 रन की पेनल्टी वाला रूल भाई साहब 1 जून से लागू हुआ था T20 और ODI क्रिकेट को फास्ट करने वास्ते, कि 2 ओवर्स के बीच का गैप 60 सेकंड यानी कि 1 मिनट से ज्यादा नहीं होना। अगर रीसेंट ओवर एंड होते ही नेक्स्ट ओवर 60 सेकंड के अंदर यानी कि 1 मिनट के अंदर स्टार्ट नहीं होता तो टीम को 5 रन की पेनल्टी लगी। वैसे यार भाई साहब थोड़ा सब्सक्राइब दबाते रहो यार, मतलब 1 मिलियन हो जाते अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर होता उससे पहले तो मजे आ जाते। खैर इतनी जल्दी तो नहीं हो पाएंगे पर कर देना। तो बी ऑनेस्ट वी आर लूजर अर्ली विकेट्स। यूएसए के कैप्टन जो थे मोनक पटेल वो खेले ही नहीं, उन्होंने बोला यार ये इंडिया वर्सेस इंडिया खेल के क्या ही फायदा। पर ये चीज हमारे सौरभ भाई नहीं समझ पाए, इनको ऑफिस से जैसे ही थोड़े दिन की छुट्टी क्या मिली ये अच्छे अच्छे बैट्समैन को ही पेलने लगे खुशी खुशी के मारे। इनको मजे ही आ गए कि अरे वाह यार वेडनेसडे का ऑफिस नहीं जाना पड़ रहा, चलो कोहली का ही विकेट ले लेते हैं, चलो रोहित का ही विकेट ले लेते हैं। अरे सौरभ भाई कोडिंग वोडिंग करो ना यार, ये हमारी टीम का क्यों पीसी खोलने में लगे हुए हो। सौरभ भाई लौट आओ, अब ये ज्यादा दिन महीने साल विदेश में रहना अच्छी बात नहीं है, बल्कि पूरे खानदान को तुझ पर गर्व है, देख तुझे देखकर कैसे मुस्कुरा रहे हैं। न्यूयॉर्क के पिच ने हमारा ऐसा दिमाग खराब करके रख दिया ना भाई साहब, ऑलराउंडर का काम क्या होता है, बैटिंग बॉलिंग दोनों करना, और हम दोनों ही नहीं करवा रहे। कल जट्टू भाई ने बॉलिंग ही नहीं करी और ना बैटिंग करी, एज अ फील्डर खेल रहे थे। दुबे जी तक ने बॉलिंग कर दी पर जट्टू भाई की बॉलिंग का नामो निशान नहीं था। अक्सर भाई जगह खा गए लग रहा जट्टू भाई की। सौरभ वर्क्स इन ओरेकल गॉट विराट कोहली आउट ऑन अ डक एंड ओरेकल स्टॉक। भाई साहब जिस कंपनी में जॉब करते उसके स्टॉक प्राइस बढ़ गए, अब सौरभ भाई को अप्रेजल नहीं मिलेगा, पार्टनरशिप मिलेगी कंपनी में। विराट कोहली माफ करना बाबर भाई, वो लोग बहुत खतरनाक बॉलिंग कर रहे थे, एक्टिंग के बादशाह हो गए विराट भाई। पाकिस्तान 2019 से आज 2024 आ चुका है, पाकिस्तान हम पर ही डिपेंड करती है, क्वालिफाई करा दो। मी इफ आई नो सौरभ इज गोइंग टू गेट रोहित एंड कोहली बोथ, घर वापस आ जाओ भैया या फिर जॉब पर वापस चले जाओ भैया, दोनों में से एक काम कर लो। IPL टीम्स लाइनिंग अप टू बाय सौरभ इन द मेगा ऑक्शन, पैसा ही पैसा होगा सौरभ भाई। सूर्या भाई पाकिस्तान जैसी छोटी टीम को मार के क्या फायदा, आज देख तेरा भाई यूएसए को फिर 15 को कनाडा को पेलेगा। सूर्या भाई हमको पहले से पता था आज आप रन बनाने वाले हो, एक हफ्ते में फैंस को हेटर बना दिया। सौरभ भाई ने पहले पाकिस्तान को पेला तो सब खुश हो गए, फिर रोहित और कोहली भाई दोनों को आउट कर दिया यार। रोहित भाई तू भी रन मत बनाना वरना मुझे अकेली गाली पड़ेगी। भाई जा रहा ऑन टॉप विराट कोहली सर 0 देख लो।
विराट भाई ये एक्टिंग ही कर रहे हो ना, पक्का ना विराट भाई सुपर एट में खेलेंगे ना, विराट कोहली पाकिस्तान, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, हमें तो बहुत मारता है। जय शाह ब्रो, बस रूल्स याद दिला रहा था एम्पायर्स को, यू आर वेलकम। 30 बॉल्स में हमें 35 रन चाहिए थे, जय शाह भाई का जादू चला तो 30 पे 30 हो गए ब्रो। व्हेन यू टेक द गेम टिल द एंड जस्ट टू मेक पाकिस्तान सैड, सूर्य भाई फैंस यू शुड नॉट प्ले आउटसाइड ऑफ डिलीवरीज, विराट कोहली बर्बादी की हद तक करेंगे, विराट भाई सुपर एट में हमें बाहर की बॉल नहीं छेड़नी है। टुडे इंडिया वर्सेस यूएसए को इंडिया वर्सेस इंडिया, इंडिया वर्सेस कनाडा, इंडिया वर्सेस पीबी केस, ये दोनों अलग अलग थोड़ी होते हैं। शिवम दुबे वाइल बैटिंग, अरे हमारी फटी पड़ी है ये पिच आज, चलो अच्छा है न्यूयॉर्क से हम लोग बाहर जा चुके हैं, अब दुबे भाई का जादू चल सकता है उम्मीद है। फर्स्ट ओवर हाइलाइट्स, हर्षदीप पाजी, जसप्रीत बुमराह गोस विकेटलेस टुडे, वीक टीम के साथ विकेट लेके क्या मिलेगा सर। आधार कार्ड वर्सेस ग्रीन कार्ड, इंडिया वर्सेस यूएसए, अगर इंडिया जीता तो पाक को ये बोलकर ट्रोल करेंगे ऐसे हराते हैं यूएसए को, अगर यूएसए जीता तो पाक को ये बोल के ट्रोल करेंगे कि तुम्हें बाहर करने के लिए हारे हम, पाकिस्तान के मजे लेना इस कॉन्स्टेंट। रोहित शर्मा एंड विराट कोहली एज ओपनर्स, अरे भाई यार ऐसा मत करो मेरा दिल बैठा जा रहा है। सौरभ आफ्टर टेकिंग विकेट्स ऑफ विराट कोहली एंड रोहित शर्मा व्हेन ही रिजॉइंस ऑफिस, मेरे को तो लग रहा है सौरभ भाई ऐसे यहाँ पैर रख के बैठ जाएंगे ऑफिस में बॉस के सामने कि क्या बोल रहा था बे। रोहित शर्मा आउटसाइड यूएसए डगआउट व्हिच हैज मेनी इंडियंस, हम लोग दुश्मन नहीं हम लोग दोस्त हैं, जब विकेट लेना स्टार्ट करे तब हम लोगों ने यही बोला। आईसीटी फैंस टू सौरभ, अब लॉर्ड चले अबर आजम, देखिए डेफिनेटली थोड़ी देर के लिए वहां गोटी मुंह में था भाई साहब, इंडिया हार जाती तो पाकिस्तान तो बैठे बैठे गायब हो जाती वर्ल्ड कप से। सिद्धू पाजी टकांगो फटकांगो, भाई साहब इनकी कमेंट्री तो सुन के मेरे कानों में से गुनगुनाते जा रहा था भैया। खैर यार आज की वीडियो के लिए इतने ही, बाकी सीधा भाई मचाते रहो, सबसे बुरे करते रहो, सीरियसली जब कमेंट्री हो रही थी ना मैं भी कल इसको बार बार कहता मैं सिद्धू पाजी क्या कर रहे हैं कमेंट्री, कई बार झूमे झूमे लाल मस्त कलंदर वो तो चलो बहुत पहले होते, लेकिन अब की बार भी कई बार एक दो चीजें ऐसी आती है बंदा हंसता है ये क्या था ये क्यों यहाँ पर, लेकिन मैच बढ़िया था और यूएसए की टीम ने ये प्रूव कर दिया है कि अगर पिच डिफिकल्ट हो और बॉलिंग अच्छी हो तो आप डिफिकल्टी कर सकते हो दूसरी टीम के लिए, लेकिन वहीं पर ही अगर पाटा विकेट होती इजी विकेट होती तो यूएस इतना अच्छा नहीं कर पाती, क्योंकि कहीं ना कहीं हेल्प मिली है और वो हेल्प तो इंडियन बॉलर्स को मिली सबको मिली, लेकिन कहीं ना कहीं यूएसए का बाकी टीमों पर अच्छा करना एक पिच की वजह से भी है, क्योंकि ऐसी पिच पर यूएसए वाले खेले हैं और अपने वाले इतनी इस तरीके से नहीं खेले ना, बाकी ये था। और अब विराट कोहली सुपर एट आ चुका है, अब विराट कोहली कह रहा है सोई हुई शक्तियों को जगाना पड़ेगा और परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा, बाकी भैया होपफुली इंडिया ये वर्ल्ड कप उठा ले, मजे ही मजे आ जाएंगे। मिलते हैं आप लोगों से वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।